हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस पहले देखेंगे व्हाट आर द नीड्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा सिग्नल सिस्टम में, जैसे कि कोई सिस्टम है, तो इसके इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है, ये अगर ये एक्स टी कोई इनपुट है और ये आउटपुट आ रहा है, हमारा आउटपुट है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे LTI सिस्टम हो गया और जितने भी सिस्टम होते हैं, इनका जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होता है। और इन्हें सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये बहुत ही टाइम लेंगे। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पियरी साइमन लाप्लास ने एक मेथड दिया, मैथमेटिकल मेथड, जिसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी मदद से जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको लाप्लास के फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको सॉल्व करके उसका इनवर्स लेके हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट कन्वर्ट्स द टाइम डोमेन फंक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। हाँ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? इट कन्वर्ट्स द टाइम डोमेन फंक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसको याद कर लें, इसको बिना याद किए हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, जहाँ पर एक्स ऑफ एस क्या है? लाप्लास का जब ट्रांसफॉर्म हो गया है तब एक्स ऑफ एस बनता है। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड लाप्लास। और x ऑफ t क्या है? इनपुट सिग्नल। s को सिग्मा प्लस जे ओमेगा लिख सकते हैं और ये होता है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, देर आर सम बेसिक सिग्नल्स दैट आर यूज। बेसिक सिग्नल फर्स्ट इज यूनिट स्टेप सिग्नल, इट इज डिनोटेड बाय यूटी। सेकंड इज यूनिट इंपल्स सिग्नल, डिनोटेड बाय डेल टी। रैंप फंक्शन सिग्नल आरटी, और इसको अगर यूनिट स्टेप सिग्नल के फॉर्म में लिखना है तो टीयूटी, आरटी इक्वल्स टू टीयूटी। एक्सपोनेंशियल सिग्नल की पावर एटी। साइनसोडियल फंक्शन साइन ओमेगा टी। कोसाइनसोडियल फंक्शन कॉस ओमेगा टी। आता बेसिक सिग्नल, अब इनका एक के बाद एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। पहला यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी। यूटी होता क्या है? यूटी इज इक्वल्स टू वन फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। इसको ग्राफ में से देख लीजिए, अगर ये जीरो है और ये टाइम है और ये यूटी है, तो फॉर एट जीरो यूटी इज वन एंड फॉर ग्रेटर देन जीरो यूटी इज वन। तो और फॉर लेस देन जीरो यूटी इज जीरो। तो ये इसका मैथमेटिकल है। और ये सिंस वी नो दैट लाप्लास इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, जहाँ पर एक्स ऑफ टी क्या है?
इनपुट सिग्नल है और ये हमारा x of t ut है और e power minus st dt ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन पूरा है। अब हम यहाँ रख देते हैं माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स टी की जगह यू टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब यू टी हमारा दो फॉर्म में दो पार्ट में है तो इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक होता है माइनस इनफिनिटी टू जीरो यू टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी प्लस फिर जीरो से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी यू टी डी टी। ये वाला पार्ट हमारा जीरो है क्योंकि और नेगेटिव वैल्यूज के लिए यू टी जीरो है तो ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा प्लस और इस पार्ट के लिए यू टी क्या है वन है तो हमारा ये जीरो इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी यू टी की जगह वन रख देंगे और इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर माइनस एस टी माइनस एस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब ई की पावर माइनस अपर लिमिट रखेंगे ई की पावर माइनस एस इन्फिनिटी ये होता है जीरो और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस जीरो ये होता है ई की पावर माइनस जीरो ये होता है वन और ये हमारा नीचे इसकी वैल्यू वन होगी और इस नीचे ऐसे। तो लाप्लास अगर हमारा इनपुट सिग्नल यू टी है तो लाप्लास ऑफ यू टी हमारा होगा वन बाय एस। नेक्स्ट हमारी है यूनिट इंपल्स सिग्नल डेल्टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसकी दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। पहला है डेल्टी का किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो डेल्टी ही रहेगा। जैसे डेल्टी का साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तभी भी डेल्टी रहेगा, कोसाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी डेल्टी रहेगा, यू टी से करेंगे तभी भी डेल्टी रहेगा। इसका चाहे किसी भी सिग्नल एक्स टी कोई भी सिग्नल से मल्टीप्लिकेशन होगा वो डेल्टी ही मेंटेन रहेगा। और ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है यूनिट इंपल्स सिग्नल की जो एरिया होती है ये इंटीग्रेशन क्या देता है एरिया देता है तो यूनिट इंपल्स का इंटीग्रेशन हमेशा यूनिटी होती है। इन दोनों प्रॉपर्टी की मदद से इसका लाप्लास निकालते हैं। लाप्लास इक्वेशन हमारी ये होती है जहाँ पर ये क्या है इनपुट सिग्नल तो डेल्टी। अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं इसका ये हमारा इंपल्स सिग्नल फंक्शन है इसका मल्टीप्लिकेशन ई की पावर माइनस एस टी से हो रहा है तो इंपल्स का किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टी ही हमारा रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये डेल्टी ही रहेगा डी टी से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है जो एरिया होगा वो वन होगा। ये क्या है एरिया है तो ये वन। तो लाप्लास ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन इज वन। हमारा रैम फंक्शन जो कि आर टी होता है रैम फंक्शन इसका रिप्रेजेंटेशन आर टी होता है। इसकी वैल्यू होती है टी यू टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी आर टी डी टी ई की पावर माइनस एस टी आर टी की जगह टी यू टी लेंगे। ये यू टी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये फंक्शन अब केवल जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके लिए ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर इसको हम इसकी जगह हम रख सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी पॉजिटिव ई की पावर माइनस एस टी टी। अब यू टी की कोई बढ़ने की वन
इसके लिए जीरो हो गया और बाकी लोग बाकी 40 ग्रेटर देन जीरो के लिए वन है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन जब वन से होगा तो ये यही वैल्यू रहेगी, ये फाइनली आ गया। सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू बाय डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का हो, ये होता है मल्टीप्लीकेशन रूल फॉर इंटीग्रेशन वेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी है क्योंकि यहाँ डी, यहाँ एक्स था तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ टी है तो ये फंक्शन ऑफ टी है, ये भी टी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी से, तो ये क्या हो जाएगा, टी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एच टी डी टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा ये वन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एच टी डी टी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर माइनस एच टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस, इसका इंटीग्रेशन भी सिमिलरली ई की पावर माइनस एच टी डिवाइडेड बाय माइनस एस डी टी, ये क्या हो जाएगा टी ई की पावर माइनस एच टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस एच टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और एक एस जब इसका इंटीग्रेशन होगा वो आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमारी लिमिट से जीरो से इन्फिनिटी, हमने पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम यहाँ लिमिट ले रहे हैं जीरो टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट रख देते हैं पहले से, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी रखेंगे जब यहाँ पे ए की पावर माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी है, क्या हो जाएगा हमारा जीरो माइनस, लोअर लिमिट के लिए बचेगा तो लोअर लिमिट के लिए रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा टी मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा जीरो माइनस, यहाँ पे हम रखेंगे ये क्या हो जाएगा ई की पावर जीरो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा ई की पावर जीरो वन हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैम फंक्शन इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपोनेंशियल सिग्नल मल्टीप्लाई बाई यू टी, यहाँ पे हमारा सिग्नल क्या है एक्स टी ई की पावर ए टी मल्टीप्लाई बाई यू टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर ए टी यू टी ई की पावर माइनस एच टी डी टी, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या यू टी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था यू टी क्या होता है, फोर जीरो टू टी के लिए क्या होता है वन एंड फोर जीरो टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, तो क्योंकि यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन है इसलिए यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एच टी ई की पावर ए टी डी टी, ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एस प्लस ए सॉरी एस माइनस ए टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस लिमिट जीरो टू इंफिनिटी, अब हम लिमिट रखेंगे माइनस रखेंगे तो ई की पावर माइनस क्या हो जाएगा इंफिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर जीरो डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, ये क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी जीरो, तो ये क्या ई की पावर जीरो का होता है वन वन अपॉन एस माइनस ए। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी यू टी इक्वल्स टू वन ओवर एक्स माइनस ए।